गिल रहमान एक यतीम लड़का था जो अपनी माँ के साथ एक कच्ची आबादी में वाकई छोटे से घर में रहता था इसके वालिद मज़दूर पेशा थे जो दो साल पहले एक हादसे में हलाक हो गए थे वालिद की मौत के वक्त गिल रहमान की उम्र ग्यारह साल थी और वो छठी जमात का तालब इल्म था इसकी माँ लोगों के घरों के काम करने लगी और इस तरह अपना और अपने बेटे का पेट पालने लगी उसने गिल रहमान की तालीम का सिलसिला जारी रखा गिल रहमान फ़जर की अज़ान होते ही अपनी माँ के साथ जाग जाता और मस्जिद जाकर नमाज अदा करता मस्जिद जाते हुए वो रोज़ाना एक लड़के को कूड़ेदान में से रद्दी कागज़ प्लास्टिक की बोतलें खाली डब्बे वग़ैरह चुनते हुए देखता एक सुबह गिल रहमान ने लड़के से पूछा तुम रद्दी और कचरा वग़ैरह हकेटा करके क्या करते हो लड़के ने बताया ये मैं ठेकेदार को बीच देता हूँ वो मुझे इन रद्दी चीज़ों के सौ दो सौ रुपये दे देता है गिल रहमान के जहन में अचानक ये बात आई कि अगर वो भी ये काम करे तो उसे भी रोज़ाना इतने ही रुपए मिल सकते हैं इसने अपनी माँ से इस काम का जिक्र किया तो उन्होंने मना कर दिया वो रोज़ाना अपनी माँ को इस बात पर आमादा करने की कोशिश करता कि वो इसे काम करने की इजाज़त दे दे आखिर माँ ने एक दिन उसे इजाज़त दे दी मगर इस शर्त के साथ कि इसकी पढ़ाई का नुकसान न होने पाया अब इसका यह मामूल बन चुका था कि वो सुबह सवेरे जाकर अपने इलाके के कूड़ेदानों से रद्दी डब्बे बोतलें और दूसरी चीज़ें जमा करता और घर आकर रख देता फिर नाश्ता करके स्कूल चला जाता है शाम को जमाशदा रद्दी एक थैले में डालकर ठेकेदार को दे आता दिसंबर का महीना था एक शदीद सर्दी पड़ रही थी लेकिन गिल रहमान मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे काम के लिए घर से निकल पड़ा गिल रहमान कूड़ेदान से रद्दी वगैरह निकालने में मसरूफ था घर आकर उसने कचरे का थैला एक तरफ रख दिया है शाम को वो चीज़ें छाँट रहा था तो उसकी नज़र काले रंग के से शापर पर पड़ी इसमें एक डिब्बा था इसने जब वो डिब्बा खोला तो इसमें सोने का एक छोटा सा हार और दो कंटे दिखाई दिए इसने वो डिब्बा फ़ौरन अपनी माँ को दिखाया और पूछा माँ ये डिब्बा मुझे कूड़ेदान दान से मिला है इसमें सोने का एक हार और दो कंटे हैं। अब आप बताएं कि मैं उसका क्या करूं? माँ ने कहा बेटा ये किसी की अमानत है शायद किसी ने ग़लती से घर के कूड़े के साथ ही उसे भी फेंक दिया होगा तुम ऐसा करो कि मस्जिद के इमाम साहब को ये तमाम बातें बता दो वो ज़रूर कोई सही मशवरा देंगे गिल रहमान इमाम साहब के पास पहुंचा और तमाम वाक़ सुना दिया इमाम साहब ने गिल रहमान से कहा कि वो किसी और से इसका ज़िक्र न करे कल जुमा है वो नमाज़ जुमा पढ़ने आए तो एहतियात से डिब्बा शापर में रखकर उन्हें दे दे गिल रहमान ने ऐसा ही किया कि इमाम साहब ने डिब्बा अपने पास रख लिया और नमाज से पहले यह ऐलान किया कि गिल रहमान नामी एक लड़के को मोहल्ले के कूड़ेदान से एक डिब्बा मिला है जो इसने अमानत के तौर पर मेरे पास रखवा दिया है इसमें सोने की कुछ चीज़ें हैं जिन साहब का ये डिब्बा हो वो नमाज के बाद निशानियां बताकर मुझसे ले जाएं नमाज के बाद एक साहेब ने इमाम साहिब से कहा कि वो डिब्बा मेरा है इमाम साहेब के पूछने पर उन्होंने वही चीज़ें बताएं जो डब्बे में थीं मज़ीद वजाहत करते हुए बताया कि परसों शाम में अपने घरवालों के साथ एक शादी की तकरीब में गया था वापसी पर रात ज़्यादा हो गई थी इसलिए थकावट और नींद की वजह से मेरी बेटी ने ज़ेवरात का डिब्बा शापर में रखकर बेपरवाही से मेज़ पर रख दिया और सो गए वो जेवरात शायद इसका हाथ लगने से मेज़ पर से किसी तरह नीचे रखे डस्टबन में गिर गए मैं सुबह कचरा दूसरे कचरे के साथ कूड़ेदान में फेंक आया शाम को दफ़्तर वापस घर आया तो मालूम हुआ कि वो डिब्बा जिसमें हा और कांटे थे वो नहीं मिल रहा है अल्लाह का शुक्र है कि गिल रहमान की ईमानदारी की वजह से वो ज़ेवरात अब तक महफूज हैं इमाम साहब जब पूरी तरह मुतमिन हो गए तो चंद नमाज़ियों की मौजूदगी में वो ज़ेवरात उन साहिब के हवाले कर दिए उन्होंने इमाम साहब का शुक्रिया अदा करके गिल रहमान को गिले से लगा लिया और इसे इनाम देने की कोशिश की मगर उसने इनाम लेने से इनकार कर दिया गिल रहमान के इस कारनामे की ख़बर जब इसके स्कूल पहुंची तो हेड मास्टर और सारे इस बहुत खुश हुए हेडमास्टर मास्टर ने इसका महाना वजीफ़ा मुकर कर दिया और ये ऐलान किया कि आइंदा इसके तमाम तालीमी अखराजात स्कूल फ़ंड से अदा किए जाएंगे गिल रहमान ने यह खुश खबरी अपनी माँ को सुनाई तो इसने बेटे को गिले से लगा लिया इस तरह गिल रहमान की ईमानदारी का सलाह इसको मिल गया